हेलो शार्क्स, मैं हूं प्रतीक तिरोडकर और मैं हूं आशीष पाटिल और हम हैं पीएनटी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस। तो शार्क्स, हमारी कंपनी आईओटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स जैसे न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करती है। हमारा आस्क है 50 लाख फॉर 4% इक्विटी। और आज हम लोग कुछ खास लेके आए हैं जो हमारे कंपनी द्वारा निर्मित है और वो है खास मेहमान। मेहमान एडो। सो एडो, क्या आप हमारे लिए पिच करोगे? हेलो शार्क्स, मेरा नाम एडो है। मैं पीएनटी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस द्वारा निर्मित हूँ और हम मुंबई से आए हैं। कसा काय मुंबई। मैं एडो एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट ऑटोमेटेड इंटरैक्टिव रोबोट हूँ। शार्क्स, आपको पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मी मराठी मध्ये बोलो शिकतो। मैं हिंदी में भी आपकी भाषा समझ सकता हूँ। मैं आपका चेहरा याद रख के आपको पहचान सकता हूँ। हंसना, चिढ़ना या गुस्सा होना ऐसे मनुष्यों जैसी भावनाएं भी है। मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं आपकी भी भावना आपके नजदीकी लोगों जैसे सिर्फ चेहरा देख के समझ सकता हूँ। मैं इन्हीं हाथों से और मैं मुंह पे बने भावनों से मैं हाव भाव व्यक्त कर सकता हूँ। मैं पेट पे लगे 21 इंच की उस्क से आप जो चाहे ऑर्डर कर सकते हो। मैं खुद ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी मैं खुद की एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। बस मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कितनी करूं। जिन्होंने मुझे बनाया है, अब मैं उन्हें बोलने दे रहा हूं। धन्यवाद एडो। मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और बताता हूं। उसके पेट के ऊपर एक डिस्प्ले है जिसका हम लोग एक कियोस्क की तरह यूज करने वाले हैं। एडो को हॉस्पिटल में लोगों की सहायता करते हुए यूज कर सकता है। मॉल्स में एंगेजमेंट, इंटरैक्शन और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एयरपोर्ट पे लैंग्वेज बैरियर हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ एंगेजमेंट, इंटरैक्शन की बात आती है, वहाँ वहाँ हम लोग एडो को यूज कर सकते हैं। तो हर एक शार्क के लिए हम लोग ने कुछ ना कुछ तो एक आइडेंटिफायर रखा है जिससे आप ट्राई कर सकते हैं। चलो यार, आते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। Hi Piyush, how are you? You have very cool glasses. Nice. Oh, गुस्सा हो गया भाई। उन्होंने वैसे हैं सकल की। मैं नहीं दे रहा भाई। Hey Botex man, so glad to meet you. मैं आपका म्यूजिक सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। कमाल है। Oh wow. Wow. उसने कड़वा चेहरा बनाया आपका। हेलो नमिता, हाउ आर यू? मुझे भी एमक्यू वैक्सीन लेनी पड़ेगी क्या? अरे हाथ तो मिला लो। वो वैक्सीनेटेड नहीं है इसीलिए हाथ नहीं मिला इन्होंने। सो प्रतीक हर्ष, अभी हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, उससे पहले हम समझना आता है आपकी एज कितनी है। माय एज इज 24। वाओ, आपकी 24। अरे अमेजिंग यार, इनोवेशन एट दैट एज इज अमेजिंग। आपका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताओगे? आई एम एन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। मैंने 200 से ज्यादा कॉलेज में आज तक ट्रेनिंग्स डिलीवर की है, इंक्लूडिंग IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, NITs। वाओ। देन मैंने एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी प्रोटोटाइप बनाया हुआ था जो इंडियन नेवी का एक कवच करके एक एक्चुअल प्रोडक्ट है। और कुछ? हाँ, और कुछ नहा भी तो चालू है, अभी है। और बताओ, 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 सब बताओ। बताओ, बताओ। हाँ, तो मतलब बहुत कुछ चीजें है जो मतलब मेन मैन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोलते रहो। पहले ये बताओ, ये भी रोबोट है क्या? नहीं। तो आप बताओ अपने बारे में थोड़ा। बोलने देगा तब बोलूंगा। हमारे साथ भी यहाँ ऐसा ही होता है, तो हम आपका दर्द समझते हैं। ये आपको नहीं बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। His core knowledge is IoT, robotics. मेरा core knowledge है AIM। तो इसमें जो कुछ भी algorithms use किए हम लोग ने mapping के लिए या navigation के लिए, तो वो हम लोग साथ में मिलकर बना। बट एक चीज बताओ, ये वाला जो है मशीन, ये वो होता ना जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल में लोगों को, yes, yes, वो ही है ना ये, right, वो वाली मशीन, right. क्या आप ही ने दी थी? हाँ, that's amazing. इसका कुछ वीडियो है इस मशीन का? है। दिखाओ एक बार। हाँ, ये मैंने देखी थी। So, इसके पहले भी 2 छोटे प्रोटोटाइप बनाए थे कोविड के लिए, फिर बातें डॉक्टर से होती रही, उनको क्या चाहिए इनपुट्स लेते गए, फिर ये 3rd प्रोटोटाइप बना। So, ये क्या करता था, कोविड वार्ड में जाके फूड डिलीवरी रहेगा या फिर जो पुराने क्लोथ्स है पेशेंट्स के, वो आपको अगर बाहर लेके आने हैं, तो वो काम ये करता था।
हमको समझ आ गया तूने बहुत सारी चीजें करी हैं, बट अब तुम ये फुल टाइम कर रहे हो। यस। तो तुम्हारा एंड यूज केस क्या है? तुमको एक ऐसा प्रोजेक्ट टाइप रोबोट बनाना है या तुमको हार्डकोर रोबोटिक्स में घुसना है? जो अल्टीमेट प्रोडक्ट अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं दिखाने के लिए या फिर मार्केट करने के लिए तो वो ये है, लेकिन वी वांट टू वर्क फॉर रोबोटिक्स, जैसे कि 16 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके अंदर है, तो वो पार्ट तो हम लोग एक अलग रोबोटिक आर्म बना सकते हैं। वो ठीक है प्रतीक, आशीष ये काम तो 25 साल पहले भी हो रहा था, ऐसे रोबोट्स बहुत देखे। तो पूछने का ये मतलब है कि आप इसमें बिजनेस क्या बना रहे हैं? करंट प्रोटोटाइप जो है हमारा, स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर रेडी टू बाय दिस, इसका जो सेलिंग मॉडल है हमारा करंट, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि एक्चुअल टेक्नोलॉजी इसमें कैसे बनती है। तो वो तो एक रोबोटिक्स एंथुजियास्ट मार्केट हो गया ना, यू टीच पीपल रोबोटिक्स इसके जरिए, बट इट इज नॉट अ बिजनेस एप्लीकेशन, मतलब आप कोई बिजनेस के लिए नहीं बेच रहे हो। अभी जो नए सिलेबस आए हैं या फिर जो अभी स्कूल लेवल से पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह सब चीजें स्टार्ट हो गई है, तो फ्यूचर इज ऑल अबाउट रोबोटिक्स। तो जो हम लोग के कनेक्ट में कॉलेज है वो सामने से हमें ये पूछते हैं कि डू यू हैव एनी फिजिकल प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हमारा पूरा फोकस ट्रेनिंग पे नहीं है, लेकिन जो प्रोटोटाइप बनाया है उसे भी हम लोग बेचना चाहते हैं। अभी अभी ये कि इसका क्या कॉस्ट है? ये हम लोग 6 लाख सोचे सेल करने। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बना रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप रोबोटिक्स में जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन अगर आप बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं इससे बाहर होता हूँ आज। आई विश यू द बेस्ट। मैं भी अनुपम भाई की बात से सहमत हूँ। समझ ही नहीं आ रहा आप क्या करते हो। आप एजुकेशन में इंडस्ट्री में, एजुकेशन ऑफ रोबोटिक्स में? नो, वी आर इनटू अ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग। अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि आप खाली एजुकेशन में? नहीं, आपको रोबोटिक्स की नॉलेज है वो अच्छी बात है, उसकी एप्लीकेशन अभी तक क्लियर नहीं हो रही मेरे भी माइंड में कि आप क्या करना चाहते हो। फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो। प्रतीक और आशीष, अब निराश मत होइए, बिकॉज यू आर ओनली 24, तो आप सीखेंगे और आप क्रैक करेंगे एट सम पॉइंट, ठीक है? लेकिन अभी जो है आपका बिजनेस मॉडल इतना क्लियर नहीं है और मेरा इस एरिया में एक्सपर्टीज नहीं है, जहां मैं कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, सो आई एम आउट, बट ऑल द बेस्ट। यार तुम ना कॉलेज प्रोजेक्ट को जिंदगी बना दी है तुमने, ठीक है? ये रोबोट नहीं है, ये खिलौना है, ठीक है? ये किसी के यूज नहीं आ सकता, क्लियरली बता रहा हूँ। 1980 में ये इसको रोबोट लोग समझते थे, आज की डेट में कोई भी समझदार बंदा इसको रोबोट नहीं मानता। मेरी तरफ से छोड़ दो इसको, तुम बहुत स्मार्ट बंदे हो, अगर तुमको कोडिंग आती है तुम हार्डवेयर कर सकते हो, किसी अच्छी कंपनी में काम करो, समझो पहले प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व क्या करना है। एंटरटेनमेंट है ये और कुछ नहीं है, मैं इससे बाहर हूँ। आपके कुछ एडवाइजर्स हैं इक्विटी में, कैप टेबल में कोई है? कौन कौन इक्विटी होल्डर्स है? इक्विटी होल्डर्स से भी बोथ ओनली, लेकिन बिजनेस एडवाइजर्स है एंड सीएस है, जो मतलब गाइड करते रहते हैं। बिजनेस एडवाइजर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए क्या गाइड करता है इसमें? अरे सीए के बहुत वैल्यू है, मॉडल्स एंड वो सब चीजें बनाने के। मेरे पापा भी सीए में, वैसे पूछ रहा हूं वो क्या गाइड करते हैं कि आपको कौन सा डायरेक्शन में, आपको मतलब वैल्यू कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना मिल सकता है मार्केट में। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है वो सही एडवाइस दे रहे हैं आपको? नहीं दे रहे। मैं आपको ऑफर देता हूँ 25 लाख फॉर 25% और 25 लाख का मैं आपको लोन दूंगा, अगर कुछ आपको चाहिए होंगे पार्ट्स वगैरह के लिए। नॉट बैड। मैं आपको गाइड करूंगा और जैसे जैसे इसको आगे डायरेक्शन देंगे, पर ये कंडीशन ये है कि आपको ना एक प्रॉब्लम को लेके हम डिस्कस करके उस पर फोकस करना पड़ेगा। श्योर सर। तो इसमें जो आपने ऑफर किया है बाकी शाख सर आउट, तो क्या देख के आपने ऑफर किया? आप खुद भी सरप्राइज हो गए क्या, ऑफर मिल गया? क्या पूछ रहे हो? क्या सरप्राइज तो नहीं है, आपको देख के कि आपको रोबोटिक्स और एआई का नॉलेज है। अगर जैसे आपने कहा कि रोबोटिक आर्म्स हैं, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स इंडिया में बनाने हैं, ठीक है? आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स का फिर एक फोकस लेके हम आपस में अग्री करके फिर आप अफोर्डेबल रोबोटिक आर्म्स बनाएंगे, अगर तीनों अग्री करेंगे। नहीं यार, मैं इससे नीचे नहीं कर पाऊंगा। अब आंसर है यस एंड नो। ऑलराइट, चलिए। गुड डिसीजन। गुड।
good decision. Good call. You'll have a good person guiding you. गुड वर्क, आपने काफी काम किया है। आई टोटली एग्री कि इंडिया में रोबोट्स बनने चाहिए और बनेंगे, और आप उम्मीद है इंडिया की, इसलिए आपके साथ पार्टनर कर रहे हैं। वेरी गुड।